الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي كلاهما في النار स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम मशोरा इजाम मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि ये मेरे लिए दुआ फरमाएं। मैं इनके सामने बहुत कम इल्म का बंदा हूं। हमारे स्टेज पर उस्ताजुल उलमा भी तशरीफ फरमाएं। बहरहाल ये जो जलसा हो रहा है ये इजलास आम के उन्वान पर हो रहा है। अब इसके अंदर वो बातें बताई जाएंगी जिनकी हमें वाकई जरूरत है, जिनके बगैर हमारे ईमान में कमी आती है। जरूरत है इस चीज की, इन जलसे जुलूस के अंदर वो बातें बताई जाए जिनसे हमारा ईमान ताकतवर हो। सबसे पहली बात ये कि जलसा और जुलूस करा लेना इस दौर के अंदर बड़ा मुश्किल काम है। हाफिज साकिब साहब को मैं देख रहा हूँ कि 2 महीने से बेचारे दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, एक एक दरवाजे पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अभी बता रहे थे कि अभी हमारा जो है जिस तरह चाहिए का वहाँ कहूँ नहीं हो पाया, लेकिन बहरहाल कोशिश किया, आप लोगों ने मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास कायम हुआ। अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला आप लोगों को इनका हमेशा हमेशा के लिए इनका साथ देने वाला बनाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया अयक्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीही मैतन फकरहतुम। क्या तुम आपस में एक दूसरे की गीबत करते हो? क्या तुम में कोई ऐसा शख्स होगा जो ये पसंद करे कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? अगर हम में से कोई शख्स ऐसा हो तो खड़ा हो जाए। कोई नहीं खड़ा होगा, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता जो अपने भाई का गोश्त खाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कुरान क्या कह रहा है अयख्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैता फकरहतुम। अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा लो तो तुम कराहत करोगे, तुम नफरत करोगे, दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान बनकर खड़े हो जाओगे और कहोगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे पक्के और सच्चे मोमिन से ये बात कहने के लिए कि क्या तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा सकते हो? मैं अपने मुर्दार भाई का गोश्त कैसे खाऊं? मुमकिन ही नहीं। दुनिया भर के मसाइल हम बताएंगे। पहली बात तो इंसान का गोश्त हराम, दूसरी बात मुसलमान, तीसरी बात अपना भाई, भला ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन कुरान कहता है और कुरान का जो फैसला है वो हर्फ आखिर है। कुरान के फैसले के बाद कोई फैसला नहीं होने वाला। कुरान कहता है अगर तुमने अपने भाई की गीबत की तो गोया तुमने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया और अपने भाई का जो गोश्त खाएगा वो जहन्नम के सिवा जन्नत नहीं जाएगा। क्योंकि प्यारे आका ने फरमा दिया लिल जारी हक्कुन, पड़ोसी के लिए हक है। अब सोचो कि भाई के लिए क्या होगा? पड़ोसी की हक तलफी करने वाला जहन्नम जाएगा और
और सगे भाई की अक्ल भी करने वाला कहा जाएगा। पता ये चला कि जब हम गीबत करते हैं तो हमें अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर गुनाह मिलता है। बस समझ आई? अगर कोई शख्स हमसे गीबत कर रहा होता, हम उससे कहते भाई गीबत मत करो, ये गीबत है, बहुत बड़ा गुनाह है, तो वो मुझे उल्टे मसला बताता है। मैं झूठ नहीं बोलता मौलाना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये बात हक है, उसने मेरे सामने कही है और मैंने ये बात अपने कानों से सुनी है। अल्लाह के बंदे, सच्ची बात को ही उसके पीठ पीछे बयान करना, यही गीबत है। अगर उसने कहा नहीं फिर आपने कहा तो ये तो भूतान हो जाएगा, और भूतान के बारे में कुरान कहता है इस्मम मुबीना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, तो भूतान हो जाएगा मेरे भाई। हम अपनी बातों को साबित करने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मालूम, अगर किसी को कोई सच्ची बात बता दी जाए, अभी मैंने एक मस्जिद में बयान किया, इस जुमा में 11 लोगों ने दरवाजे पर मुझे घेर लिया, बोले मौलाना साहब आपको ये बयान करने की क्या जरूरत है, और मैंने बयान कर दिया कि भाई दारू पीना हराम है, सारे शराबी थे, सबको बुरा लग गया। किसी को बुरा लगे भला लगे इससे मतलब नहीं है, अगर काल अल्लाह और काल रसूल के लिए जमा हुए हो तो यहाँ पर बात वही होगी जो अल्लाह और उसके रसूल ने कही है, उसके सिवा कोई बात नहीं है। गीबत के बारे में मैं बताता हूँ कि एक अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, मुहद्दिसे वक्त, फकीहुल उम्मत, अपने चंद शागिर्दों को इकट्ठा करके दरस हदीस दिया करते थे। उनका नाम है फुजैल इब्ने अय्यास। क्या नाम है? फुजैल इब्ने अय्यास। एक बच्चा बहुत ही तेज तर्रार, जो भी वो बताते फौरन याद कर लेता, अपनी कॉपी पर नोट कर लेता। उस्ताद मोहतरम बहुत खुश उस बच्चे से। हुआ ये कि दो चार दिन वो बच्चा पढ़ने नहीं आया, उस्ताद को फिक्र हुई आखिर वो मेरा जहीन व फतीन बच्चा कहाँ गायब है। उन शागिर्दों से पूछा कि बेटो बताओ वो मेरा बेटा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जहीन था तुम में से। लड़कों ने कहा अरे उस्ताद मोहतरम हम तो भूल ही गए बताना, वो तो इतना सख्त बीमार है, इतना सख्त बीमार है कि वो मरने के करीब है। उस्ताद मोहतरम ने फौरन दर से हदीस बंद किया और कहा बच्चों चलो चलते हैं उसकी आयादत के लिए, क्योंकि तो आका का हुक्म है जब किसी बीमार की खबर मिले तुम उसकी आयादत के लिए जाया करो, वो तो अपना बच्चा है, अपना शागिर्द है, तुम लोगों का दर्शी साथी है, चलो उसकी आयादत करके आते हैं। फुज़ैल इब्ने अय्यास रहमतुल्लाहि अलैह अपने शागिर्दों के साथ जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो उसकी हालत बहुत खराब देखते हैं, बच्चों से कहते हैं कि बच्चों सूरह यासीन पढ़ो। जब बच्चे सूरह यासीन पढ़ना शुरू करते हैं, मालूम सूरह यासीन मरने वाले के पास क्यों पढ़ाई जाती है? सूरह यासीन कुरान करीम का रूह, और इंसान की जो जान निकलती है उसको भी रूह कहते हैं, रूह को रूह से निस्बत होती है, इसलिए उसको पढ़ाया जाता है। मुहद्दिसीन ने लिखा कि मरने वाले के पास, बीमार के पास अगर सूरह यासीन पढ़ी जाएगी शिफा मिलने वाली होगी तो शिफा मिल जाएगी, अगर उसका वक्त करीब होगा तो अल्लाह उसकी रूह आसानी से कब्ज करवा लेंगे, अल्लाह आसानी से उसकी रूह कब्ज कर लेंगे, इसलिए पढ़ी जाती है। मगर उस शागिर्द ने क्या कहा, उस्ताद मोहतरम सूरह यासीन पढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सूरह यासीन से कोई फायदा नहीं होने वाला। तुरंत उस्ताद मोहतरम के जहन में एक बात आई, अल्लाह के रसूल की वो हदीस सामने आई, लक्नु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। उस्ताद मोहतरम ने सोचा कि प्यारे आका ने कहा कि मरने वाले के पास जब जाओ तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। बच्चों से कहा बच्चों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू। क्या कहा? बच्चों कलमे तौहीद का विर्द करना शुरू कर। बच्चों ने कलमा पढ़ना शुरू किया। उस बच्चे ने कहा कि उस्ताद मोहतरम मुझे ना यासीन से फायदा होने वाला, मुझे ना आयतल कुर्सी से फायदा होने वाला, ना मुझे पूरे कुरान से फायदा होने वाला, ना मुझे कलमे तौहीद से फायदा होने वाला, किसी चीज से मुझे कोई फायदा नहीं। उस्ताद हैरान, आखिर कुरान पूरा शिफा और फायदा नहीं होगा?
बेटा बताओ आखिर वजह क्या है। उस्ताद मोहतरम ने जब कान नीचे किया तो उस बच्चे ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह ने मेरा ईमान सल्व कर लिया है, और जब मेरा ईमान सल्व हो गया, मेरे पास ईमान ही नहीं तो मुझे कलमा और कुरान से फायदा क्या है। कुरान से भाई ईमान सल्व हो गया। उस्ताद ने पूछा कि आखिर किस वजह से ईमान सल्व हुआ। वो बच्चा बताना ही चाह रहा था, सिर्फ उसने इतना ही बताया कि थोड़ी देर पहले मेरा ईमान सल्व हो गया, इसलिए मुझे इन चीजों से फायदा होने वाला नहीं। उसका इंतकाल हो गया। उनके उस्ताद ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो बच्चा आग में झुलस रहा है, चल रहा है बिल्कुल, और वो चीख रहा है। तो ये पूछते आखिर वजह क्या है, ये किस चीज की सजा मिली है। तो कहा इसका ईमान सल्व हो गया, ये मसलूबुल ईमान आया है कब्र में, इसलिए इसे ये सजा मिल रही है। ये बेईमान आया है, इसके पास ईमान नहीं है। तो पूछा इसकी वजह क्या है, तो कहा कि मेरी सिर्फ तीन गलतियां थी। और कितनी गलतियां? तीन गलतियां बताई, जिसमें से पहली गलती उसने बताई कि मेरी गलती ये थी कि मैं गीबत करता था। क्या करता था? मैं गीबत करता था। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैं दो भाइयों को आपस में लड़ा देता था। और तीसरी गलती मेरी ये थी, मैं अपने किसी मुसलमान भाई को तरक्की करता देखकर जलता था, मेरे दिल में सोजिश होती थी कि ये भाई क्यों तरक्की कर रहा है, ये और नीचे जाए, मैं देखकर इसका मजाक। ये तीन ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों के बिना पर अल्लाह ताला ने उस बंदे के ईमान को सल्व कर। अब हमें इस चीज की जरूरत है कि हम देखें इन तीन गलतियों में से कितनी हमारे पास है और कितनी नहीं है। अगर ये तीन गलतियां वाकई हैं तो कसम खुदा की मैं कहता हूं, अगर तुमने तौबा नहीं किया और जिसकी गीबत की उससे माफी नहीं मांगा, तुम्हारा ईमान पे खात्मा होना बड़ा मुश्किल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सिबाबुल मोमिन फिस्क व क़िताल्हु कुफ्र। आज तुम अपने भाई का हक मारे पड़े हैं। अल्लाह के रसूल कहते मोमिन को बुरा भला कहना फिस्क है, और अगर किसी मुसलमान का कत्ल कर दिया तो कुफ्र है। आज तुम अपने भाई की गर्दन काटने पर तुले हुए हैं, बोलो मेरा क्या हश्र है? बोलो क्या हश्र है? किस किस के हक दबाए पड़े हैं? आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में किसी से मिलो, अगर पूछने लगो कि भाई क्या हाल है, तुम्हारा धंधा पानी कैसा है, मौलाना साहब मत पूछो, इतना बुरा हाल है कि क्या बताएं, बरकत नहीं है, बच्चे कहने में नहीं है, बच्चे नाफरमान हैं, बच्चे नाफरमान हैं। कभी आपने अपने गिरहबान को देखा कि बच्चे नाफरमान क्यों हैं? बच्चों को खिलाओगे सूद का पैसा, बच्चों को फरमाबरदार बनाओगे, बच्चों को खिलाओगे रिश्वत का पैसा, बच्चों से एक गिलास पानी की उम्मीद करोगे, हैं बच्चों को सिखाओगे जो है गालियां, बच्चों को पिलाओगे दारू, जाएंगे उनको नाजायज पैसे देकर भेजोगे दारू अड्डों और कसीनो और पसीनो और जुआ जपाड़ी खिलाओगे, जुआड़ी बनाओगे, उसके बाद तुम ये उम्मीद करोगे कि मेरे बुढ़ापे का साथ कैसे बन सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम। एक जगह लिखा एक लुकमा सूद का खाने वाला बिल्कुल ऐसा है जैसे उसने अपनी सगी माँ के साथ 70 बार जिया। आज मुसलमान हर तरफ परेशान है, जिससे पूछो वह परेशान, कोई बता रहा है रिश्ता नहीं आ रहा, कोई बता रहा बरकत नहीं है, कोई बता रहा है बीमारियां हैं, बड़ी परेशानियां हैं। इन सब की वजह यह है कि हमारे पेट में हराम का लुकमा जा रहा है और उसको मुसलमान हलाल समझ रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है, कुछ चीजें हैं, कुछ मसाइल हैं जो मेरे सामने आए हैं, मैं उनको सामने पेश करना चाहता हूँ आपको कि सूद आखिर आ कहां से रहा है आप जान नहीं पा रहे। सूद आपके पास आ रहा है आप जान नहीं पा रहे, आप उसे हलाल समझ रहे हो, और वो है क्या? सूद। देखिए कई कंडीशन है अपने बहरेज के अंदर। एक देहातों की कंडीशन है कि जमीन ले लिया गिरवी, जमीन ले लिया गिरवी। अब जमीन दसियों साल बो रहे, खा रहे, काट रहे,
एक लाख रुपया दिया जमीन वाले को, पांच बीघा जमीन लिया, पांच बीघा में बीस कुंटल गल्ला हुआ इनके बाप का, और एक लाख रुपया इनका किसान के बाप बना हुआ है। पांच साल काटा तुमने, पांच साल में तुमने सौ कुंटल गल्ला काटा, उस सौ कुंटल का गल्ला जो तुमने खाया उसके बाद पूरे एक लाख रुपये तुमने वापस लिए, वो तुम्हारा सूद है, वो हराम है, कसम खुदा की इसका हिसाब नहीं देता, साफ सूद है। बहुत सारे बच्चे गालियां लेते हैं, गिरवी रख लेते हैं, उनको चलाते हैं यहाँ से लखनऊ लूलू माल, और कहाँ कहाँ लूलू माल पुलू माल घूम रहे दूसरे की गाड़ी पे, गिरवी लेकर के गाड़ी, उनका वो चलना वो सफर, उस गाड़ी का इस्तेमाल करना ये हराम है, ये सूद है, ये सूदी लेंगे। बहुत सारे लोग बहरेज के अंदर है, भैया तुम बहुत बड़े प्लाटर हो, दस लाख रुपये मुझसे ले लो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई हिसाब किताब नहीं करना, सिर्फ इतनी बात याद रखना मुझे 50,000 रुपए महीना मिले, कितना 10 लाख ले लो 20 ले लो, मुझे इससे नहीं मतलब, ले लो ये 20 मेरा पक्का बना रहेगा, और मुझे 50,000 या 25,000 दो तय हो गए, ये हर महीने नफा मिल रहा है। वो बेचारा परेशान ले लिया, अब 25,000 रुपए महीना जो आपको मिल रहा है या 50 जो भी तय हुआ, वो जो रकम आपको मिल रही है वो रकम सूद है, वो रकम सूद है। इस सूद के खाने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जहन्नम में जाएगा, ये सूदी कारोबार है। जिस दिन मुसलमानों के यहाँ से सूदी लेन देन बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह, मुसलमानों का इस दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं पैदा हुई है जो ऐसी औलाद पैदा कर दे जो मुसलमानों का बाल बांका कर सके। ये मेरा चैलेंज है, जिस दिन से मुसलमानों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वाकई मोहब्बत जिसे कहते हैं, जिस दिन आ गई, जिस दिन इश्के रसूल आ गया, जिस दिन सहाबा से मोहब्बत हो गई और सहाबा जैसा ईमान पैदा हो गया, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुसलमानों को जेल दे सके। लेकिन दोस्तों मसला तो यही आकर फंस जाता है कि हमारा ईमान, ईमान की बात आई तो एक वाकया मुझे याद आया, हजरत उमर रजी अल्लाह, गौर से सुनना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक बूढ़े सहाबी आए, सहाबी रसूल आए और कहने लगे, आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, आपका पूरा दरबार लगा हुआ था, हजरत उमर का पूरा दरबार लगा हुआ, एक बूढ़े सहाबी आए और फरमाने लगे, उमर मेरे अंदर 8 बातें हैं, जरा इनको सुनो और गुस्से देखो, पहली शर्त मेरी ये है तुम गुस्से मत होना, इनको सुनो और बताओ फिर मेरा ईमान कैसा है। आए कहा ठीक है चलो बताओ, तुम गिनाना शुरू करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, क्या कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ बताओ। सहाबी रसूल ने बताना शुरू किया, पहली बात जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि उमर मुझे जन्नत की चाहत नहीं है, आप भी ताजुब करोगे उनके सवाल से, क्या कहा, मुझे जन्नत उन्नत की कोई लालच नहीं है और मैं जहन्नम से डरता वरता नहीं। दो बातें हो गई, तीसरी बात क्या कहा, और तीसरी बात मेरे अंदर यह है कि मैं हक से नफरत करता हूं, क्या कहा, हक से नफरत करता हूं। गौर से सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी वरना बाउंस हो जाएगी, क्या कहा, हक से नफरत करता हूँ। चौथी बात ये कही कि मैं अल्लाह की रहमत से भागता हूँ। पांचवी बात उन्होंने ये कहा कि जब मेरे घर में कोई फितना पैदा होता है तो मैं खुश होता हूँ, फितना पैदा होता है तो मैं खुश होता हूँ। और उसके बाद जो बात बताई वो ये बताई कि मैं बिना देखे गवाही देता हूँ, मैंने देखा नहीं और गवाही दे रहा हूँ। हजरत उमर का गुस्सा एकदम तमतमाया और निकाला कोड़े और कहा कि जी चाहता है कि मैं तुझको कुफ्र का फतवा दूं और कोड़े से मार मार तेरी बोटियां बोट दूं। वो साहबे रसूल ने कहा, ना ना उमर, वादा कर चुके हो, गुस्सा मत हो, मेरी आखिरी बात भी सुन लो। कहा बोलो, बोले मैं यहूद की भी तस्दीक करता हूँ कि वो भी सच कहते हैं और ईसाइयों की भी मैं तस्दीक करता हूँ कि वो भी सब पर हैं। हजरत उमर से पूछा कि उमर अब बताओ मेरा ईमान कैसा है। हजरत उमर ने गुस्से में निकाली तलवार और कहा कि मेरा आगे बढ़े और कहा कि तू तो मोमिन ही,
मेरा दिल चाहता मैं तुझे कुफ्र का फतवा दूं और तेरी गर्दन तेरे तन से जुटा दूं। हजरत उमर आगे बढ़े, उसी महफिल में हजरत अली भी तशरीफ फरमाते, फौरन हजरत अली खड़े हुए और कहा महलक या उमर, रुक जाओ उमर। ये बूढ़े सहाबी ने बहुत सही बात कही है और ये सारी बातें कुरान से साबित है। उमर तुम्हारी नजर नहीं गई, ये सहाबी रसूल ये देखना चाह रहे थे कि उमर अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं या इनकी नजर कुरान पर जाती है। इन्होंने जितनी बातें कही हैं सब कुरान से साबित है। मैं इनकी दलील दूंगा कुरान से। पहली बात कही थी कि मुझे जन्नत की लालच नहीं है। वाकई इनको जन्नत की लालच नहीं है, इनको जन्नत की चाहत नहीं है, ये तो खुदा का महबूब बंदा है, इनको रजी अल्लाह अन्हु का खिताब मिल चुका है, इनको तो बशारत दे दिया है रसूलुल्लाह ने जन्नती होने का। इनको जन्नत की चाहत नहीं है, इनको अल्लाह की चाहत, जन्नत बनाने वाले से इनको लालच है, तो अल्लाह की मोहब्बत की लालच कि अल्लाह को मैं चाहता हूँ, अल्लाह मुझे भी चाहता है, ये इनका ईमान है। और कहा कि मैं जहन्नम से डरता नहीं, जहन्नम से डरने की कोई चीज नहीं, मैं डरता तो उसके बनाने वाले से हूँ, मैं खुदा से डरता हूँ, खुदा अगर नहीं चाहेगा तो इस जहन्नम की औकात नहीं कि मेरा एक बाल जला सके। जब खुदा का हुक्म होगा तभी यह जहन्नम मुझे जला पाएगी, इसलिए मैं जहन्नम से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता। बात साबित है ना। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि मैं हक से नफरत करता हूँ। हक के माने मौत के हैं, मौत वो चीज है इस दुनिया का हर इंसान उससे नफरत। अभी मैं आपसे पूछूं, मैं आपको मारना चाह रहा हूँ कि आप मारना पसंद करोगे? मरना पसंद करोगे? कहोगे मरना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। हर कोई कहे, मैं खुद कहूंगा नहीं मरना चाहता, हर कोई कहेगा नहीं मरना चाहता। एक नबी थे, उनके पास मलकुल मौत बता कर क्या है और उनको वक्त दिया गया कि मैं बाद में आऊंगा, फिर आए, फिर वो कह रहे थे तुम जल्दी आ गए, बताया नहीं, बगैर बताए आ गए। पता ये चला कि कोई मरना नहीं चाहता। तो ये सबसे बड़ा हक है। सब कुछ गलत हो सकता है, दुनिया पूरी झूठी हो सकती है, पूरी दुनिया मक्कार हो सकती है, एक दूसरे पे इंसान इल्जाम लगा सकता है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हर शख्स ये बात कहता है, जो दुनिया में आया है उसे जाना है, उसे मरना है। अकबर से नफरत, सही बात है, ये साबित है, हर कोई मौत से भागता है। इसके बाद की जो बात थी वो ये बात थी कि वो बूढ़े सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि मैं मुर्दा खा लेता हूँ। हज़रत उमर खफा, मुर्दा खाता, मुसलमान होकर मुर्दा खा, क्या कहा मैं मुर्दा खा लेता हूँ? कहा कि हाँ अली, तू इसको नहीं साबित कर पाएगा? नहीं नहीं, कुरान से साबित है। अल्लाह ने फरमाया वो हिल्ला लकुम सईदुल बहर, वो हिल्ला लकुम सईदुल बहर, तुम्हारे लिए समंदर का जो शिकार, समंदर का शिकार क्या मछलियां है ना, मछली कोई जिंदा खाता है क्या? जिंदी लाता भी हो तो मार के काटता है, भाई मुर्दा खाते हो, कुरान से साबित है। हज़रत उमर ने कहा चलो अच्छा, इसको तो बता लेगा, तुम ये नहीं साबित कर पाओगे कि रहमत से भला कोई अल्लाह की रहमत से भागेगा? कहा कि हाँ, अल्लाह की रहमत से मैं भी भागा, उमर तुम भी भागे, अल्लाह के रसूल भी भागे, यहाँ जितने सहाबा मौजूद सब मौजूद थे, और अल्लाह की बारिश होने लगी, अल्लाह के रसूल ने कहा भागो, सब लोग साए में, सारे सहाबा दौड़कर मस्जिद नबी की छत के नीचे पहुंच गए। बारिश के बारे में अल्लाह ने फरमाया, कुरान ने फरमाया कि ये रहमत है, हर कोई भागता है। देखो ईमान कहाँ से, ईमान ढूंढ करके लाए सहाबे रसूल, कुरान की एक आयत से अपने ईमान को किस तरह मजबूत कर रहे हैं। फिर क्या कहा, चलो ठीक है, बात मान लिया, आगे बताओ ये बात तुम कैसे बताओगे कि बिना देखे गवाही देता हूँ? कहा कि हाँ, बिना देखे मैं भी गवाही देता हूँ। उमर सुनो, और जितने भी मोमिन हैं सब बिना देखे गवाही देते हैं। उमर तुमने खुदा को देखा? बोले नहीं देखा। अली ने कहा मैंने भी नहीं देखा, ये जितने सहाबा मौजूद हैं इन्होंने भी नहीं देखा, सब गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सब गवाही देते हैं ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई अकेला माबूद, कोई सारी दुनिया
का पालन हो, पूरी दुनिया का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे जहान के पालनहार के लिए तमाम तारीफ। भाई किसी ने देखा नहीं देखा, हमने तो बिन देखे तुझे अपना खुदा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान। नबी ने देखा बताया, हमने देखा, हम लोगों ने नहीं देखा, मत बात सही है ना। अब इसके बाद जब आखिरी बात आई तो हजरत उमर ने कहा कि अली हर बातों का तो सबूत तुम्हें कुरान से मिल गया, लेकिन इस आखिरी बात का सबूत बहुत मुश्किल है मिलना कि मैं यहूद की भी तस्दीक करता हूँ कि यहूद भी हक पर है, और नसारा की भी तस्दीक करता हूँ कि ये भी हक। फरमाया हाँ कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मर खोलो कुरान और पढ़ो। وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء। यहूद कह रहे हैं नसरानी हक पर नहीं है, इसकी मैं तस्दीक करता हूँ कि नसरानी हक पर नहीं है, और नसरानी कहते हैं कि यहूद हक पर नहीं है, मैं इसकी भी तस्दीक करता हूँ कि यहूद भी हक पर नहीं है, मैं दोनों की तस्दीक करता हूँ कि दोनों हक पर नहीं है। हक पर तो मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत वाले हैं, हक पर तो कुरान वाले हैं, हक पर तो खुलफाए राशिदीन वाले हैं, हक पर तो नबी वाले हैं। यहूद भी हक पर नहीं और नसरानी भी हक पर नहीं, कुरान से सारे सबूत मिल गए। अब सोचो इनका ईमान कैसा रहा, और आज अपने ईमान के बारे में जरा देखो कैसा ईमान है। अगर जरा सी तकलीफ आती है तो फौरन हम कोसना शुरू कर देते हैं, अल्लाह को हम ही मिले थे, आज चार दिन हो गया सही से खाना नसीब नहीं, बेटी की शादी है तो पैसे का इंतजाम नहीं, आखिर अल्लाह को पैसे नहीं देने थे तो बेटी क्यों दिया, नौजुबिल्लाह। ऐसी बातें मैंने अपने कानों से सुनी है। मेरे भाइयों ये बातें बोलना इंतहाई गलत है, ये वो बातें हैं जो इंसान को ईमान से बाहर कर देने वाली है। अगर आदमी यकीन के साथ ये बात बोलते तो उसका ईमान सलब हो जाएगा, उसका ईमान खत्म हो जाएगा, उसे तौबा करना चाहिए और उसे दोबारा से करना चाहिए। अरे ईमान तो सहाबा का था, बताएं आपको जरा सी तकलीफ ने ये 60 साल की जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ आई तो भागे भागे फिरते हैं, अरे सब बेकार, इतने दिन से नमाज पढ़ रहे हैं कोई असर नहीं, इतनी दुआ कर रहे हैं कोई असर नहीं। उस चीज़ को कर लोगे हराम लुकमा ख़त्म कर दोगे, नमाज भी असर आ जाएगा और तुम्हारी दुआओं में भी असर आ जाएगा, तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे जिस दिन तुम हराम खाना छोड़ दो। हराम से बचाया है लोगों ने। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता के बात ख़त्म करूँगा। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम सुना आपने, उनके वालिद मोहतरम वकील थे, उनकी अहलिया को शक था उनकी कमाई पर। जब वो पेट में आए तो उनकी अहलिया ने अपने घर से मायके से बकरी मंगाई और उस बकरी से अपना पेट पाला, और जब बच्चा पैदा हुआ नाम इकबाल पैदा हुए तो उन्हें भी उसी से जो है दूसरे पैसे से उनकी परवरिश की, अपने शौहर की कमाई नहीं लगाई कि ये वकील है, हो सकता है रिश्वत नहीं हो, इनकी कमाई में हराम टैक्स हो, इसलिए उन्होंने उनकी कमाई नहीं लगाई, अपनी मेहनत की कमाई से अल्लामा इकबाल को पाला। तब इतना बड़ा आलिम, इतना चाल आलिम पैदा किया, आज पूरी दुनिया में अल्लामा इकबाल के इल्म का डंका बजा। पता ये चला कि हलाल रोजी में बनते, हलाल कमाई में बनते थे, हलाल खाओगे तो ईमान में स्पिरिट पैदा होगी, हलाल खाओगे तो बच्चे वफादार निकलेंगे, हलाल खाओगे तो बच्चे ईमान वाले बनेंगे, हलाल खिलाओगे तो बीवी फरमा बरदार होगी, हलाल खिलाओगी तो बेटी फरमा बरदार होगी, और अगर हराम खिलाओगे तो पूरी दुनिया से तुम नाउम्मीद हो जाओगे, तुम्हारे मरने के वक्त तुम्हारे मुंह में कोई एक चम्मच पानी डालने वाला नहीं। हराम वो गिजा। आओ मैं आपको ईमान दिखाता हूँ। एक मरतबा हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु देर रात मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, रास्ते में दोनों से मुलाकात हुई। अबू बकर ने पूछा, उमर इतनी देर रात को तुम आखिर इधर कहाँ जा रहे हो? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उमर अबू बकर आज कई दिन हो गए खाना खाया नहीं, भूख की वजह से नींद आती नहीं, तो मैंने सोचा चलो मस्जिद नबवी चलो, अल्लाह के रसूल के पास चलो, हमारे नबी हैं वो हम तक ईमान पहुंचाने वाले हैं, वो हमें सिराते मुस्तकीम दिखाने वाले हैं, चलो उनसे कहते हैं उस खाने का इंतजाम हो। हजरत उमर ने पलट कर सवाल किया, अबू बकर आखिर तुम किस वजह से आए?
अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोस्तों कुर्बान जाओ उनकी आंखों में आंसू आए और कहा कि उमर जिस चीज ने तुम्हें सोने नहीं दिया अबू बकर को भी उसी चीज ने सोने नहीं। पता चला अबू बकर भी 3-4 दिन के भूखे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, प्यारे आका को देखते हैं कि आप मस्जिद नबवी के सहन से बाहर निकल रहे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकर उमर तुम इतनी रात को यहाँ घूम रहे हो, यहाँ क्या करने आए हो? बोले अल्लाह के रसूल कई दिन हो गए खाना नसीब नहीं हुआ तो भूख की वजह से नींद नहीं आ रही, इसलिए आया कि चलूं आपके पास पूछूं कि अगर कुछ खाने के हो तो प्यारे आका के पास जाकर खा लेते हैं। प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और कहने लगे अबू बकर उमर तुमने तो 3-4 दिन से नहीं खाया, मेरा हाल तो ये है कि आज 7 दिन हो गए मैंने खाने के देखा भी नहीं। अल्लाह सोचो इस हालत में इनको पकड़े। आखिरकार हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी में चले गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के गली में जाने लगे और जब गए तो रास्ते में अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। अबू अय्यूब अंसारी हजरत या किसी वजह से बाहर निकले थे, जब आका पर नजर पड़ी तो कहने लगे आका इतनी देर रात कैसे? आका ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि लोगों तुम मुझे मेहमान बना। वो 5 दिन था मेरे रसूल का कि कहा अबू अय्यूब क्या तुम मुझे अपना मेहमान नहीं बनाओगे? क्या कहा कि अबू अय्यूब क्या तुम मुझे आज अपना मेहमान नहीं बनाओगे? हाँ हुजूर क्यों नहीं, आइए तशरीफ लाइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले जाते हैं। आपके लिए खाना दस्तरखान लगाया जाता है, दस्तरखान पे खाना आता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं हुजूर तनाउल फरमाइए, हुजूर बिस्मिल्लाह कीजिए, दोस्तों कुर्बान जाओ। आका के दिल पर और आका के खानदान पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत में लिखा कि एक छोटा सा जो है कपड़े का टुकड़ा निकला और उसमें 2 रोटियां लपेटी और कहा अबू अय्यूब तुम ये रोटियां ले जाकर मेरी लखते जिगर फातिमा को दे दो, उसके घर पर न जाने कितने जिल से चुपना। सोचो इस हालत में भी अबू बकर ने, हजरत उमर ने, इनके तमाम साथियों ने ईमान को नहीं छोड़ा और उनके अंदर ये बातें नहीं आई कि हम सब कुछ कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा। वो खाते थे तो हलाल खाते थे वरना भूखे पड़े रहते थे, किसी हम किसी के सामने हाथ नहीं फैल। आज हमें जरा सी तकलीफ होती तमाम रिश्तेदारियों प्रचार हो रहा है बीमार है परेशान है ये है वो है ताकि कहीं से मांगना है तो अल्लाह से मांगना। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, कुरान तुम्हें सिखाता है कि ऐ मोमिनो तुम्हें मांगना है तो सब्र और नमाज के जरिए मांगो। मुसीबत आए सब्र करो, जरूरत आए पूरी ना हो सब्र करो, फिर नमाज पढ़ो और नमाज पढ़कर दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल। इसको प्यारे आका ने करके दिखाया, करके दिखाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पहुंचते हैं, फरमाते हैं आयशा घर में खाने को कुछ है? अंदर से आवाज थी अल्लाह के रसूल यहाँ 3 दिन से कुछ नहीं है, मैं 3 दिन से यही बात बता रही हूँ कुछ नहीं है। कहा कि अच्छा ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, अभी आ रहा हूँ। बाहर गए, अम्मा आयशा फरमाती मैं खिड़की पर जाकर अल्लाह के रसूल को देख रही थी कि अल्लाह के रसूल कहाँ जाते हैं, कहीं जाकर खाने का इंतजाम करते हैं, इतनी रात में आखिर कहाँ जाएंगे? आप गए 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, वापस आए कुंडी खटखटाया, फरमाया आयशा कुछ है खाने को? फिर अंदर से वही आवाज आई, आयशा माँ आयशा ने क्या फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैंने पहले भी वही बात कही थी कुछ नहीं है, अब भी वही कह रही हूँ यहाँ कुछ भी नहीं है। कहा कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर चले माँ आयशा फिर खिड़की पे गई देखने कि प्यारे आका आखिर जाते कहाँ है। देखा मस्जिद नबवी के सहन में गए, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगा और आए। कहा आयशा कुछ है? कहा अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी आता हूँ। फिर गए फिर 2 रकात नमाज पढ़ी फिर दुआ मांगी आए, फरमाया आयशा
कुछ है? कहा हाँ हाँ अल्लाह के रसूल आ जाइए, पका हुआ भी खाना है और कच्चा अनाज भी है। अल्लाह के रसूल फौरन अंदर गए और कहा इतना सारा अनाज, इतना सारा खाना आखिर कहाँ से आया? फरमाया जब आप तीसरी बार नमाज पढ़ने गए, कुंडी पे दस्तक हुई, मैंने पूछा मन दक्कल बाप, बाहर से आवाज दी उस्मान, कोई उस्मान नाम का शख्स आया था। उसने कहा कि मैं सो रहा था, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे तमाचा मारा, जोरदार तमाचा मारा और कहा कि उस्मान तू सो रहा है और तेरा नबी भूखा है। मैं फौरन उठा और ये सारा सामान लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना पेश किया गया। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा खाना लग, बैठो मैं आ रहा हूँ। फिर मुसल्ला उठाया गया, दो रकात नमाज पढ़ी, वापस आए, अम्मा आयशा से कहा कि आयशा खाना खाओ। हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे दोगे। कहा क्या सवाल है? कहा आप पहली बार गए, मैं देख रही थी कि आप कहीं खाना मांगने जा रहे होंगे, आप गए दो रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से खाना मांगा, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, दो रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से खाना मांगा, लेकिन जब खाना अल्लाह ने दे दिया तो फिर चौथी बार कुर्बान जाओ। दोस्तों अल्लाह के रसूल के जवाब पर क्या फरमाया कि आयशा क्या मैं उस खुदा का शुक्र ना अदा करूं जिसने इतनी देर रात इतना सारा मुझे खाना दिया? मैं शुक्राने की नमाज पढ़ने गया था। आज हमारा हाल यह है कि जितना गरीब है उतना खुदा का खौफ, वो कभी कभी नमाज पढ़ भी ले। हमारे मुसलमानों में जितना पैसा आता जाता है उतना ही ज्यादा वो गुमराह होते हैं, उनके घर के बच्चे उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं बेराह रो हो, किब्र के शिकार हो, जालिम बन जाते हैं। उनके पंजे हर वक्त अपने भाइयों के जबड़ों को नोचने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये होना चाहिए?